Hello students, now next part, open your textbook. Okay students, so lesson number 13, circulation of blood. Okay students, यानी इसे क्या बोलते हैं बताओ, रुधिर नु वहन यानी blood. Okay students, ठीक एंड से आपको थिंक करके आपको से यानी कि आप उसे अपनी विचारधारा विचारसरणी कर सकते हो. जैसे कि हैव यू हर्ड टिक टिक ऑफ वॉच, आपने कभी टिक टिक वॉच कभी आपने सुना है, यस और नो? यस, वेरी गुड. जो डॉक्टर अपने कान में अपनी ईयर में डालते हैं ना स्टेथोस्कोप, जो उससे अपनी हार्ट बीट सुनाई देती है, जैसे उनसे उसकी आवाज क्या आती है, वॉइस टिक टिक टिक. ओके, हैव यू सीन डॉक्टर स्कीपिंग स्टेटोस्कोप ऑफ चेस्ट एंड हियरिंग. ओके, जैसे कि डॉक्टर अपनी चेस्ट पे स्टेटोस्कोप डालते हैं, तब उसे आप उसे डालते हैं उसे चेस्ट पे अपनी स्टेटोस्कोप रखते हुए आपने कभी हार्ट बीट सुना है, येस और नो? यस, वेरी गुड. जैसे डॉक्टर अन्य किसी और को हार्ट बीट चेक करने के लिए, जैसे कि वो स्टेथोस्कोप अपनी कान में जो उसे दो डालते हैं और वन पीस उसे अपनी अन्य धर के चेस्ट में रखते और उसकी हार्ट बीट सुन सकते हैं. जैसे आप भी सुना है कभी, यस गुड. व्हाट कैन डॉक्टर हियर, डॉक्टर को हियर में क्या सुनाई देता होगा बताओ, आंसर क्या आएगा? जैसे कि द डॉक्टर हियर्स द हार्ट बीट्स ऑफ द पेटिनेट. ओके स्टूडेंट्स, उसे कान में उसे अपने खुद के हार्ट बीट सुनाई देते हैं, जिसे अदर के जो चेक करते हैं उसके. हैव यू हर्ड हियर बीट्स, जैसे कि आपने कभी किसी के हार्ट बीट के ऐसे आवाज सुनी है? यस, ओह वेरी गुड. जैसे कि किसी और के धक्कारे आप हार्ट बीट सुन सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि अब नेक्स्ट देखो एक्टिविटी है. ओके, जो ऑब्जर्व दिस पिक्चर, योर ईयर ऑन द चेस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स इज सो इन पिक्चर. ये पिक्चर देखना है और आपको एहसास करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अपनी फ्रेंड्स के चेस्ट पे हाथ रख के ये हार्ट बीट सुन सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि अपने हार्ट बीट सुनने के लिए क्या करोगे, अदर देन दिस बाय प्लेसिंग माय हैंड ओके ऑन योर चेस्ट अबाउट योर हार्ट, आई कैन फील माइनिंग योर हार्ट बीट्स. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हियर द साउंड प्लेसफुली, आप उसे एकदम शांति से उसे आप आवाज आप साउंड सुन सकते हो, टिक टिक टिक. ओके नेक्स्ट, काउंट बीट से साउंड इज हार्ट, जैसे कि उसे शांति प्लेसफुली यानी कि साउंड नो प्लेसफुली, जैसे कि शांति से आप उसे आवाज सुनो और उसे आप जो हार्ट बीट हो रही है उसे आप सुनो. ओके स्टूडेंट्स, डिस्कस योर एक्सपीरियंस. जैसे आपको मैंने बताया कि आपको एक्सपीरियंस लेना है अपने फ्रेंड्स के चेस्ट पे हाथ रख के कितने देर हार्ट बीट हो रहे हैं, जैसे उसे काउंट करके और यहाँ पे डिस्कस करके लिखना है जो अपने फ्रेंड के. ओके स्टूडेंट्स, हार्ट बीट आपको काउंट करके यहाँ पे लिखना है और डिस्कस करना है कि क्या हुआ और क्या जैसे आपको फील किया. ओके नेक्स्ट, प्रोजेक्ट राइट नेम ऑफ टू फ्रेंड्स, जिसके यहाँ पे टू फ्रेंड्स के नाम लिखना है. देखो मैंने यहाँ पे नेम ऑफ फ्रेंड्स लिखा है चिंटू मिंटू एंड मिंटू. ओके, काउंट बीट्स ऑफ हर्ट्स इन वन मिनट. ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे वन मिनट सामान्य हो यानी वन मिनट उसे स्टॉप रख के आपको उसे हार्ट बीट्स उसके सुनने हैं. ओके, सभी के अलग अलग हो गए, किसके ज्यादा चलते होगे किससे कम चलते होगे. ओके, जैसे कि नेक्स्ट, राइट द काउंट ऑफ
हेयर बीट्स आप आपको सुन के यहाँ पे लिखना है, जैसे नेक्स्ट आस्क फ्रेंड टू रन, नाउ नोट डाउन द बीट्स, जैसे कि रन करने से पहले और रन करने के बाद जैसे कि क्या बीट्स होती है ये आपको लिखनी है, जैसे कि दोनों की अलग अलग आएगी। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे कि नंबर ऑफ हेयर बीट्स इन नॉर्मल कंडीशन, जैसे कि चिंटू के कितने थे 72, जो वो रन करके आए, नंबर ऑफ हेयर बीट्स आफ्टर द रन, जो आफ्टर यानी कि रन करके आया है तो 85 हो गए। जैसे कि रन करने के बाद और रन करने से पहले दोनों के हार्ट बीट्स अलग अलग आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन रीड। ओके, जैसे कि ओवर ब्लड सर्कुलेट इज इन बॉडी, जैसे कि ब्लड हमारे शरीर में ही फिरता रहता है। ओके, वी कैन अंडरस्टैंड द सम लुकिंग एट द पिक्चर गिवन ऑन द लेफ्ट साइड, लेट्स नो द नेम्स ऑफ ऑर्गन्स विच सर्कुलेट ब्लड इन द बॉडी। ओके स्टूडेंट, जैसे कि बाजू में जो ये जो बॉडी दी गई है, जैसे उसे हम समझेंगे। ओके, जो साइड में है और क्या करेंगे, जैसे जो बॉडीज के पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, ब्लड सर्कुलेशन। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मेन सर्कुलेटेड ऑफ द ब्लड इन द बॉडी, जो ब्लड सर्कुलेशन यानी रुधिराभिसरण। ओके स्टूडेंट्स, यानी वो हमारे बॉडी में होता हुआ जो वहन यानी चलन पलन होता है उसे, यानी चलता ही रहता है। ओके, जो एक नस से दूसरी नस एक तरह। नेक्स्ट हार्ट। ओके, जैसे कि हार्ट इज अ इम्पोर्टेंट ऑर्गन, जैसे एसोसिएटेड विथ सर्कुलेशन ऑफ बॉडी, जो हार्ट हमारे बॉडी से कैचअप यानी कि हार्ट बीट यानी कि उसे कैचती रहो, यानी कि उसे हमारी बॉडी की जो वो नहीं होता, जो हम नहीं होते, जैसे उसी हार्ट से हमारा बॉडी चलती है और जो हम जी पाते हैं। ओके स्टूडेंट, जो हमारे एकदम इम्पोर्टेंट अगत्यन एक भाग पार्ट कहवा। ओके, ह्यूमन हार्ट इज स्लाइटली लार्ज देन द फर्स्ट। ओके, वो हमारे वो किसी एक व्यक्ति की हृदय हार्ट्स के कितनी वो किसी व्यक्ति के हाथ से जो उसे मुड़ते हैं यानी मुट्ठी मारते हैं उसे साफ सिर्फ मुट्ठी की तरह वो एक हार्ट्स होता है जो हमारे मुट्ठी में भी आ सकता है, ऐसे हार्ट्स जो हमारी बॉडी को जी कर रखता है। नेक्स्ट, हार्ट्स इज लोकेट बिटवीन टू लंग्स प्रोजेक्टेड इनसाइड द रिब कैज। ओके, जो हमारे प्रोटेक्टेड यानी कि जो हमारे फेफड़े के बीच में होता है, जो दो फेफड़े होते हैं हमारे बॉडी में उसके बीच में वो होता है। ओके स्टूडेंट्स, ब्लड विजियल यानी रक्तवाहिनियों। ओके, ब्लड विजियल आर कनेक्टेड टू हार्ट, जो रक्तवाहिनी होते हैं वो हमारे हार्ट से जुड़े हुए होते हैं, जो वो उनसे चलता फिरता है। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। ओके, जैसे उसके दो नेम जैसे दो टाइप की होती है, जैसे कि अटेटरी एंड वेन, जैसे कि धमनी एंड सीरा, जैसे उसे गुजराती में बोलते हैं धमनी एंड सीरा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, जो ये इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हार्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द लास्ट संडे ऑफ सितंबर, जो सितंबर में लास्ट संडे जो होता है उस दिन वर्ल्ड हार्ट्स डे, जो विश्व हृदय दिन उसे सेलिब्रेटिंग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट, मार्क राइट इन प्रॉपर बॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें प्रॉपर बॉक्स में आपको राइट टिक मार्क करना है, जैसे कि नेम ऑफ ऑर्गन ब्लड विजिट, जैसे कि यहाँ पे दिया है
हार्ट, स्टोमक, लंग्स, अल्ट्री, माउथ, वेन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके स्टूडेंट, जैसे कि डिजेस्टिव ऑर्गन, यानी उसे गुजरात में क्या बोलते हैं, पाचन अंग। ओके से नेक्स्ट रिस्पिरेटरी जो ऑर्गन, उसे क्या बोलते हैं, श्वसन, यानी वो से श्वास से श्वसन अंग कहा जाता है। और ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन, जिसे क्या बोलते हैं, रुधिराभिसरण। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हार्ट देखेंगे। चलो, जो हार्ट क्या कहता है, जो जिस किससे जुड़ा हुआ है, जो रुधिराभिसरण से, यानी ब्लड सर्कुलेटरी। ओके स्टूडेंट्स, यानी स्टोमक जो किससे जुड़ा हुआ है, जो हम स्टोमच किससे जुड़ा हुआ है, जो डिजेस्टिव से। ओके स्टूडेंट, जो पाचन अंग, यानी उसे जो हम खाते हैं उसे पाचन करता है, जो पाचन पाचन नहीं होता है तो कैसे चलता, ऐसे चलता ही नहीं है, जिसे उसे पाचन करने के लिए डिजेस्टिव ऑर्गन होता है। ओके, जो लंग यानी कि फेफड़ा, ओके वो क्या होता है बताओ, रिस्पिरेटरी यानी कि श्वसन अंग, जो फेफड़ा उसे श्वास लेने में, हमें जो श्वास लेते हैं वो निकलते हैं, वो किससे लेते हैं, लंग से। ओके स्टूडेंट्स, जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे क्या है, आर्टरी। ओके स्टूडेंट्स, यानी वो क्या होता है, धमनी। ओके स्टूडेंट्स, जो वो किससे जुड़ा हुआ है, पाचन अंग। ओके स्टूडेंट्स, यानी डिजेस्टिव ऑर्गन। वेन किससे जुड़ा हुआ है बताओ, ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन। ओके स्टूडेंट्स, जो रुधिराभिसरण से जुड़ा हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन वो किससे जुड़ा हुआ है, डिजेस्टिव ऑर्गन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंप्लीट द डॉटेड फिंगर्स और डॉट फिंगर्स ऑफ हार्ट्स गिवन बिलो एंड फिल इन द कलर्स। लेकिन यहाँ पे ये बताया है, जो हार्ट्स उसे आपको डॉट फिलअप करके उस पर कलर करना है और अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है और उस पर फिलअप करना है। यहाँ इसमें भी डॉट फिल करके कलर फिल करना है और नोटबुक में भी आपको डॉट डॉट की तरह आपको ये ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में और आपको कलर फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नेक्स्ट चलो, हाउ मच हैव यू लर्न।